स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाले थे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता को लगाई आग, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। नई दिल्ली में प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह ने कांग्रेस को किया कटघरे में खड़ा, कहा सिख दंगे और भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में निर्णय रहे हैं कांग्रेस के। और भीलवाड़ियों में बलात्कारियों को फांसी देने के लिए गृह मंत्री को भेजेंगे 25,000 पत्र, भीलवाड़ा में दुष्कर्म और हत्या का आक्रोश बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद के बाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को गुरुवार सुबह युवकों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। पिता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस तीन आरोपियों को दबोच रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने झूठ बोला है कि कानून व्यवस्था ठीक है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कल देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ साफ झूठ बोला था कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। हर रोज ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोष होता है। भाजपा नेताओं को भी अब फर्जी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि गुरुवार तड़के 4 बजे वह रायबरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए बैसवारा विहार रेलवे स्टेशन जा रही थी। इसी दौरान गोरा मोड़ पर गांव के हरिशंकर त्रिवेदी, किशोर शुभम, शिवम और उमेश ने चारों ओर से उसे घेर लिया और डंडों और चाकू से वार किया। इसी बीच आरोपियों ने मौका पाकर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। उधर नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 1984 के सिख दंगों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को कटघरों में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री नरसिम्हा राव ने इंद्र कुमार गुजराल की सलाह मान ली तो 1984 के सिख दंगों को टाल सकते थे। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को इंद्र कुमार गुजराल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आगे कहा कि इंद्र कुमार गुजराल ने साल 1984 के सिख दंगों को रोकने के लिए सेना को तैनात करने की बात तत्कालीन गृह मंत्री नरसिम्हा राव को दी। उन्होंने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। गुजराल ने सिख दंगा भड़काने की रात को गृह मंत्री नरसिम्हा राव से मुलाकात भी की थी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में निजी यात्री बस और ट्रक की टक्कर में 9 यात्रियों की मौत हो गई है तो वहीं 23 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय लाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने इस घटना के बारे में बताया कि घायलों में कई की हालत गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई यात्री बस के भीतर ही यात्रियां फंस गए, जिन्हें राहत और बचाव कार्य के जरिए बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया तो वहीं घायलों का उपचार जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रीवा में गुड़ बाईपास के पास ट्रक से टक्कर के बाद बस पलट गई। इस कारण 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस की टीम लोगों को बस से निकाला, शवों को बाहर निकाला जा चुका है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र इन दिनों आवारा पशुओं के आतंक से सहमा सा नजर आ रहा है तो वहीं क्षेत्र में कई बार आवारा पशु वाहनों से टकराकर राहगीरों की जान तक ले चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक इस मामले को लेकर सिर्फ मौन ही रहा है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह द्वारा भी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आवारा गायों के लिए उचित व्यवस्था की बात कही गई थी, लेकिन अब तक ऐसी कोई उचित व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। फिलहाल आवारा पशु जगह जगह डंडे खाते हुए नजर आते हैं और किसानों की फसलों के लिए आफत बने हुए हैं। किसान रात रात भर जागकर खेतों की रखवाली करते हैं। कुछ किसानों ने अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है, लेकिन गरीब किसान
अभी तक ऐसी व्यवस्था करने में असमर्थ है। तो वहीं किसान पंचायत स्तर पर गौशाला निर्माण की भी मांग कर रहे हैं। मैं सुजान सिंह, भारतीय किसान संघ जिला सहमंत्री। हमारे यहाँ गायों की इतनी ज्यादा परेशानी है कि हर किसान रात्रि को सो नहीं पाता है और अपनी फसल पूरी बर्बाद करके नहीं, इतना कष्ट उठा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमने अपने संगठन के द्वारा पहले भी आवाज उठाई, पहले भी हमने उनके लिए लिखा कि भाई हर ग्राम पंचायत पर एक गौशाला होनी चाहिए जिससे कि इनको उसमें रखा जाए और किसानों की समस्या ये खत्म हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि हर ग्राम पंचायत पर यह गौशाला होनी चाहिए। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में दुष्कर्म और हत्या का आक्रोश अभी तक बरकरार है। देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं के विरोध में देश सड़कों पर उतर गया है। संगठन बलात्कार के आरोपियों को सीधे फांसी देने की मांग के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को जन सहभागिता से 25,000 पत्र भेजेगा। पत्र में बलात्कारियों के अंग भंग की भी मांग की जाएगी। ये जानकारी दोपहर सूचना केंद्र के पीछे होटल त्रिवेणी में आयोजित पत्रकार वार्ता में संगठन के संयोजक गौरव जीनगर ने पत्रकार को दी। संयोजक जीनगर ने कहा कि देश में महिला डॉक्टर और नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या की घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश है, इसलिए 25,000 पत्र तैयार करवाए गए हैं जिन्हें महाविद्यालयों, विद्यालयों और अन्य माध्यमों से भरवा कर गृह मंत्री को भेजेंगे। पत्र में सरकार से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने, आरोपियों के अंग भंग करने या फांसी देने या बाल अपचारियों को बाल सुधार गृह न भेजकर आजीवन कारावास की सजा देने, तो वहीं पीड़िता के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिलाने और सरकारी कर्मचारी के इस तरह की घटनाओं में लिप्त होने पर तुरंत निलंबन की कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मौके पर घटना के विरोध में तैयार पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर संगठन के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर जैसलमेर में उत्तिष्ठा फाउंडेशन और हरले डेविसन ने जैसलमेर के 5 चयनित स्कूलों में बांटी शिक्षण सामग्री और ऊनी वस्त्र। जानी मानी बाइक कंपनी हरले डेविसन, जिसके देश भर में 700 बाइकर्स है, उनमें से तकरीबन 500 बाइकर्स जैसलमेर यात्रा पर है और वे लोंगे वाला युद्ध स्थल तक बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ वे लोंगे वाला युद्ध में शामिल रहे सैनिक और अधिकारियों से मिलकर तत्कालीन जीत की खुशियां बांटने और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इनमें से 5 बाइकर्स ने जैसलमेर के उत्तिष्ठा फाउंडेशन की फाउंडर मेघना सिंह और विक्रम सिंह नाचना के साथ मिलकर कुछ नया करने का सोचा, जिसमें तय हुआ कि स्कूल में बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाई जा सके। इसी कड़ी में आज जैसलमेर की संतुराम ढाणे स्थित तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में 116 बच्चों को शिक्षण सामग्री किट और ऊनी वस्त्र भेंट किए गए। बच्चे यह उपहार पाकर खुशी से झूम उठे और हरले डेविसन बाइक में लगे म्यूजिक सिस्टम पर चल रहे संगीत पर नाचने लगे। इस अवसर पर बच्चों के साथ ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने 50,00,000 के हरले डेविसन बाइक के साथ फोटो भी खिंचवाए। भरतपुर जिले के स्वच्छ भारत अभियान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ भारत अभियान दम तोड़ता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे ही हालात सामने आए हैं जिले के नंगला पीतू गांव में, जहां कीचड़ अपना लंबे अरसे से जमावड़ा बनाए हुए है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में किसी वाहन का निकलना तो दूर, पैदल निकलना भी दूभर हो गया है, जिसके चलते गांव वालों ने आज खुद ब खुद गांव के कुछ चिन्हित जगहों पर साफ सफाई करने की योजना बनाई और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं मौके पर पहुंचे हमारे सत्यमेव न्यूज के संवाददाता हेम सिंह कुशवाहा ने हकीकत जानने की कोशिश की, तो क्या कुछ हकीकत निकलकर सामने आई, देख लीजिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस गांव को भले ही आप ना जानते हो, लेकिन गंदगी के मामले में अब इस गांव को दुनिया पहचानेगी, क्योंकि यहां पर गंदगी अपना बरसों से डेरा डाले हुए है। प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव में ये गांव गंदगी से सहमा सा नजर आ रहा है और उसी गांव में मैं आज मौजूद हूं और दिखाऊंगा आपको तमाम वो तस्वीरें कि गांव को वो किस तरह तस्वीरें दयनीय कर रही हैं। गंदगी से पूरे गांव की जो तस्वीरें खस्ताहाल नजर आ रही है और कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अब अपने गाँव को जल्द से जल्द गंदगी से मुक्त करना चाहते हैं। तो रूबरू कराता हूं और दिखाता हूं आपको किस तरह उन युवाओं ने ठान ली है। जी, मैं जानना चाहूंगा आपका जो गाँव किस तरह गंदगी का शिकार है।
सर हमारा गांव नगला पीतू जो कि अब आप देख रहे हैं हम यहाँ खड़े हुए हैं, इतनी गंदगी हुई है कि इससे मच्छर मलेरिया तमाम पैदा हो रहे हैं और आम लोग सभी परेशान हैं। और इसको हम अपने स्तर पर ही अपने भाई लोग मिलकर के इसको साफ सफाई कर देते हैं, प्रशासन की तरफ से तो कोई उसमें काम होता ही नहीं है, चाहे कितनी भी गंदगी हो जाए ना, नाली वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही पानी इधर उधर फैलता रहता है, कीचड़ होती रहती है, तो सर बहुत समस्या है। और भी कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जानूंगा किस तरह जो गांव की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं गंदगी के रूप में एक समस्या बनी हुई है और गंदगी के निवारण के लिए क्या कुछ करना चाहिए। सर हम तो यहाँ गंदगी के लिए सफाई के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था होती नहीं, और हम तो इस गंदगी को मिटाने के लिए हमने तो खुद ये कर रखा है कि हर रविवार में हम बच्चों की छुट्टी रहती है और हम स्वयं मिलकर के यहाँ सफाई करते हैं जब ये कंडीशन है हमारी, और जो पानी जमा है ना इसमें इतनी मदद जरूर मिलती है कि आशा के द्वारा यहाँ दवा जरूर डाली जाती है, तो इससे इतना हमको रिलीफ मिल रहा है, और नहीं तो हम इसकी सफाई नहीं करें तो प्रशासन की तरफ से तो आज यहाँ नरक बन जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गांव वालों का कहना है कि प्रशासनिक तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई सुधार के कदम उठाए गए हैं। कैमरामैन सोन सिंह योगी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, सत्यवेव। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों की